गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेसिया के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी लिटरेचर मिस आज आपको चैप्टर 2 कश्मीरी से का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर 2 का मैंने कश्मीरी से उसे प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के लिए होमवर्क में दिया था। आशा है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। और चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो चैप्टर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख के और डेट डालेंगे आज का। और प्रश्न है, आजकल शिक्षित समाज अपने भोजन में टमाटर व गाजर को अधिक महत्व क्यों दे रहे हैं। ये प्रश्न मैंने खुद लिखा है, ये आपका बुक में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आजकल शिक्षित समाज अपने भोजन में टमाटर व गाजर को अधिक महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन एवं विटामिन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई है। इसमें आंसर होगा, पाठ में आम की कई किस्में बताई गई है, जैसे बनारस का लंगड़ा, कॉमा देते हुए लिखेंगे, लखनऊ का दशहरी, बम्बई का अल्फासो आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। आंसर होगा, दुकानदार ने लेखक से यह कहा कि ये से बड़े मज़ेदार हैं, ये खास कश्मीर के हैं, इसे खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, यदि नागरिक जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता अपनाएंगे तो क्या लाभ होगा। ये भी जो प्रश्न है वो बुक से नहीं, ये खुद मैंने लिखवाया है। इसका आंसर लिखिएगा, यदि नागरिक जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता अपनाएंगे तो दुकानदार को बेईमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा। नागरिक भी अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है। लेखक को पाठकों से यह आशा है कि वे बाजार जाकर उनकी तरह आंखें बंद करके खरीदारी नहीं करेंगे, अन्यथा वे भी लेखक की तरह ही ठगे जाएंगे। तो ये आप लोगों का लघु उत्तरीय का टोटल 5 प्रश्न उत्तर था जिसे मैंने लिखवा दिया है। कल मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। तो आज आप लोग का होमवर्क है लेखक परिचय, जिसे मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, प्रेमचंद, उसको आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।